लाहौर में पुलिस मुकाबला, कांस्टेबल शहीद, हेड कांस्टेबल जख्मी, दो डाकू हलाक। मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने रोकने पर फायरिंग कर दी। कांस्टेबल इमरान हैदर मौके पर शहीद, हेड कांस्टेबल दिलदार जख्मी हुए। डीआईजी ऑपरेशंस एसपी कैंट की म्यू अस्पताल आमद, कांस्टेबल की आयादत। अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हम मनसब से मुलाकात। वजीर खजाना का चीनी शहरियों के तहफ्फुज़ और सलामती के आज़म का अयादा। वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है, अखराजात और महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। कसूर थाना खड़िया में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं पर मुकदमा। जलसे के मुकदमे में शरफजल मरवत, उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन डागर समेत 16 रहनुमा नामजद। एफआईआर में 500-600 नामालूम कारकुन भी शामिल। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां जारी। ईरान से रेला ताफ्तान दाखिल। बालाकोट और गिरदोनवाह में कई मकामात पर नदी नालों में तोगियानी। नथिया गली मरी में शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। चित्राल, बालाकोट, नारान, बाबूसर और मुल्हक्का पहाड़ों पर बर्फबारी। हुकूमत स्मगलिंग को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। अफगान ट्रांजिट रेट पर कायम शुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश। ज़िमनी इंतखाबात का मौका, इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कौमी और सूबाई असम्बली के 22 हल्कों में इंतखाबी मैदान इतवार को लगेगा। सदर के खिताब के दौरान एहतजाज करने वाले जंगल के बंदर करार। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, हमने आमिरों का मुकाबला किया, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। स्पीकर की जानिब से दोआरा कान को मुअत्तल करने का फैसला जरूरी था। अपोजिशन एक निहत्ती लड़की आसफा भुट्टो से भी खौफजदा है। रोटी की कीमत में कमी हुकूमती इकदामात से नहीं आई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत, कमरा अदालत में बानी पीटीआई के सामने दीवारें खड़ी कर दी गयी। एहतसाब अदालत के जज का इजहार बरहमी, जज के हुक्म पर इजाफी दीवारों का कुछ हिस्सा हटा दिया गया। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी, आइंदा समाअत पर 6 गवाह तलब। और पाक न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा।